देखिए, ज्ञान व्यापी की जो जांच है ना, वो सिर्फ काशी तक ही सीमित नहीं है, अब भोपाल भी पहुंच चुकी है। वहां की जामा मस्जिद में भी हिंदू संगठन की तरफ से दावा किया जा रहा है, दिल्ली में भी जामा मस्जिद को लेकर के दावा किया जा रहा था। इन सब के बीच में देखिए, भोपाल में अब दावा किया जा रहा है कि जो जामा मस्जिद है उस पर हिंदू संगठनों ने दावा ठोका है। आरोप यह है कि शिव मंदिर, वहां भी शिव मंदिर को तोड़ करके जामा मस्जिद भोपाल में भी बना दी गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ज्ञान व्यापी के बाद अब जामा मस्जिद पर जंग, शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया मस्जिद। उत्तर प्रदेश के काशी में ज्ञान व्यापी मस्जिद में कथित शिवलिंग मिलने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब इसके चिंगारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच गई है। अब हिंदू संगठनों ने भोपाल के जामा मस्जिद पर अपना दावा ठोक दिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि मैं इस पर जो है जैसा भी होता है वो विचार करके और आदेश करता हूँ। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपकर भोपाल में मौजूद जामा मस्जिद के सर्वे की मांग की है। इसके पीछे हिंदू संगठन ने जामा मस्जिद बनवाने वाली भोपाल की 8वीं शासिका कुदसिया बेगम के किताब का जिक्र किया है। दावे के मुताबिक कुदसिया बेगम ने अपनी जीवनी हयात कुदसी में लिखा है कि जिस जगह भोपाल का जामा मस्जिद है उस जगह पहले शिवलिंग था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। हिंदू संगठन ने ये दावा किया है कि यहाँ पहले इस तरह की स्थिति थी जिसकी ASI यानी कि जो विभाग है पुरातत्व वो जांच करे। हालांकि जामा मस्जिद के काजी ने एक पत्र जारी कर इसे अफवाह बताया है, लेकिन ज्ञान व्यापी की आंच भोपाल के जामा मस्जिद तक पहुंच गई है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी और शिवराज सरकार पर निशाना साधा है और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उससे ध्यान बांटने के लिए भाजपा सब करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।